बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुझे राबे बस्ती कहते हैं और आज इस बज़्म में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मैं मौजूद हूँ। आप तमाम हाजरीन की आमद के लिए अज़हद ममनून। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं और तिलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देना चाहूंगी हबीबा अयूब साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق ताकि तुम बोलने में तजावज ना करो, इंसाफ के साथ वजन को ठीक रखो और तौल में कम ना दो। और इसी ने मखलूक के लिए जमीन बिछा दी जिसमें मेवे और खोशे वाले खजूर के दरख्त हैं। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मौज़िज़ हाज़िरीन, शेर व अदब की तश्कील व फरोग़ में इन शेरी महाफिल का किरदार बहुत अहम रहा है। जो अदब परवर ऐसी तकारीब का एहतमाम इंतजाम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है, क्योंकि ऐसी महाफिल तहजीबी और सकाफती रवाबित को इस्तेहकाम बख्शने और लोगों को आपस में मिलने जुलने का एक खूबसूरत मौका भी फराहम करती है। आज की ये शेरी बज़्म हमारी हर दिल अजीज मोहतरम अफसर खान साहब की नाम है। साहिब सदर की इजाजत से अगर हम 2 से 3 मिनट का वक्त ले लें, क्योंकि अफसर खान साहब जो है वो पार्किंग में पहुंच चुके हैं, आपकी इजाजत है।
कोई कोई नाबी रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर पढ़ना चाहे तो स्टेज पर तशरीफ ले आए। यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू अदब और उनके सदर डॉक्टर फरह जदीविद और मुफरिक का बहुत बड़ा हाथ है जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं मोहतरम अफसर खान साहब, सदर महफिल मोहतरम जलील आली साहब, मेहमान खसूसी मोहतरम अंजुम सलीमी साहब और दीगर मोअज्जिज़ शोरा से गुजारिश करूंगी कि वो स्टेज पर रौनक अफरोज हों। आपकी Thank you.
मुशायरे की रिवायात को पेश नजर रखते हुए सदर महफिल से इजाजत चाहूंगी कि अदना का नाम सामने की नजर कर लें। खुशी तकसीम करती हूं दिलाजारी नहीं आती, खुशी तकसीम करती हूं दिलाजारी नहीं आती, मेरा मकसद है गमखारी अदाकारी नहीं आती। खुशी तकसीम करती हूं दिलाजारी नहीं आती, मेरा मकसद है गमखारी अदाकारी नहीं आती। यहां वो आगे आता है कि जो फनकार होता है, यहां वो आगे आता है कि जो फनकार होता है, मुझे दरवेशी के चोले में अय्यारी नहीं आती, मुझे दरवेशी के चोले में अय्यारी नहीं आती। मेरे कुछ फैसले मेरे नहीं सुधर गुजर करना, मेरे कुछ फैसले मेरे नहीं सो दरगुजर करना, अभी ससुराल में रहती हूं इनकारी नहीं आती। मेरे नियम सामने रखे मेरे कुछ फैसले मेरे नहीं सो दरगुजर करना, अभी ससुराल में रहती हूं इनकारी नहीं आती। मैं जब मातम को जाती हूं किनारे बैठ जाती हूं, मैं जब मातम को जाती हूं किनारे बैठ जाती हूं, यूं ही आंसू बहाती हूं आजादारी नहीं आती, यूं ही आंसू बहाती हूं आजादारी नहीं आती। मैं अपने कमरे से सारी किताबें ले तो आई हूं, मैं अपने कमरे से सारी किताबें ले तो आई हूं, वो जिसमें लम्स था तेरा वो अलमारी नहीं आती, वो जिसमें लम्स था तेरा वो अलमारी नहीं आती। आपकी इजाजत से एक और गजल के कुछ अशआर। न जाने कौन सा मंजर सदाएं देता है, न जाने कौन सा मंजर सदाएं देता है, नकीली धूप वो नीली हवाएं देता है, न जाने कौन सा मंजर सदाएं देता है, मैं पीली धूप वो नीली हवाएं देता है। किसी के चेहरे पे गर्दे मलाल देखती हूं, किसी के चेहरे पे गर्दे मलाल देखती हूं, खुदा कभी ना कभी तो सजाएं देता है। किसी के चेहरे पे गर्दे मलाल देखती हूं, खुदा कभी ना कभी तो सजाएं देता है। तेरे मजार से वीरे महक सी आती है, ये शेर मेरे भाई के लिए जो हम में नहीं। तेरे मजार से वीरे महक सी आती है, तू मुझसे दूर भी रहकर दुआएं देता है, तू मुझसे दूर भी रहकर दुआएं देता है। सफर की धूल थकन आबले शकिस्ता बदन, सफर की धूप धूल थकन आपले शकिस्ता बदन, ये शेर यूं नहीं होता बनाए देता है, ये शेर यूं नहीं होता बनाए देता है। समझ किया है, तो जिस मकाम पे बैठी है राबिया बसरी, तो जिस मकाम पे बैठी है राबिया बसरी, फकत ये नाम ही तुझको जयाएं देता है, फकत ये नाम ही तुझको जयाएं देता है, खुदा कभी ना कभी तो सजाएं देता है। दावत कलाम देना चाहूंगी सबसे पहले बिल्कुल मैं चाह रही थी, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शोरा मौजूद है। एक ताजा नजर हुई है अभी दो दिन पहले, उसके कुछ इशार उधर करती हूं। लाहासी की चाहत जब जब हम पे तारी होती है, लाहासी की चाहत जब जब हम पे तारी होती है, और तो क्या होता है हरदम
आहोजारी होती है। जाने क्यों उस पेड़ की लकड़ी काट के ले जाती है लोग, हस्ते हाल भी है, जाने क्यों उस पेड़ की लकड़ी काट के ले जाते हैं लोग, दिल ने जिसकी छाव में अपनी उम्र गुजारी होती है। दिल ने जिसकी छाव में अपनी उम्र गुजारी होती है। तुम क्या जानो बाप जो बिछड़े क्या क्या सहना पड़ता है, तुम क्या जानो बाप जो बिछड़े क्या क्या सहना पड़ता है, नन्हे नाजुक कांधों पर भी जिम्मेदारी होती है। अक्सर जद में आ जाता है उसका रोशन चेहरा भी, अक्सर जद में आ जाता है उसका रोशन चेहरा भी, चाहे माँ ने जितनी उसकी नजर उतारी होती है, चाहे माँ ने जितनी उसकी नजर उतारी होती है। उसने जाते जाते भीगी पलकों से यूं देखा था, मकर्ज क्या है, उसने जाते जाते भीगी पलकों से यूं देखा था, जैसे प्यार मोहब्बत में भी दूसरी बारी होती है, जैसे प्यार मोहब्बत में भी दूसरी बारी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार। दावत सुकून देना चाहूंगी मैं रईस गोरी साहब को, बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं, प्लीज। क्या कम है मफादात खसारे से हमारे, क्या कम है मफादात खसारे से हमारे, वो लुत्फ उठाते हैं नजारे से हमारे। क्या कम है मफादात खसारे से हमारे, वो लुत्फ उठाते हैं नजारे से हमारे। क्या कह रही, डर है जो हमें देख के खिलती हैं वो आंखें, डर है जो हमें देख के खिलती हैं वो आंखें, बरहम ही ना हो जाए इशारे से हमारे। डर है जो हमें देख के खिलती हैं वो आंखें, बरहम ही ना हो जाए इशारे से हमारे। हमको है किसी चांद से चेहरे की जुदाई, हमको है किसी चांद से चेहरे की जुदाई, आंसू है चमकते हुए तारे से हमारे। और मतलूब हैं गौहर तो वो गहराई में होंगे, मतलूब हैं गौहर तो वो गहराई में होंगे, चुनते न रहो सीध किनारे से हमारे। मतलूब हैं गौहर तो वो गहराई में होंगे, चुनते न रहो सीध किनारे से हमारे। एक और बुजुर्ग चंद्रशान अपनी शहर से, जिंदगी नापैद है तारों के बीच, जिंदगी नापैद है तारों के बीच, कौन जी सकता है अंगारों के बीच, चहचहाती एक चिड़ियों की कतार, चहचहाती एक चिड़ियों की कतार, जैसे बैठा हो कोई यारों के बीच, कहकहों के दरमियां एक खामशी, कहकहों के दरमियां एक खामशी, एक गहरी खाई कोसारों के बीच, बहुत अच्छे है वो तन्हाई कि मर जाता है आज, है वो तन्हाई कि मर जाता है आज, एक इंसान चार दीवारों के बीच, बहुत अच्छा, है तन्हाई के मर जाता है आज, एक इंसान चार दीवारों के बीच। और कर रहे हैं किस घड़ी का इंतजार, कर रहे हैं किस घड़ी का इंतजार, फासले चुपचाप सैयारों के बीच। और मकता है कि आदमी था काम का लेकिन रईस, आदमी था काम का लेकिन रईस, हो गया बेकार बेकारों के बीच।
बरहम विदा हो जाए इशारे से हमारे ये थे रईस गौरी साहब। कश्मीर और पाकिस्तान में अपनी मुनफरिद और जदीद शायरी के हामिल नौजवान नस्ल की नुमाइंदा शायर रास एहतशाम, खासतौर पर लाहौर से आए हैं इस मुशायरे में शिरकत के लिए। मैं चाहूंगी कि भरपूर तालियों में आप उनका इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया साहिब सदर की इजाजत से शशार पेश कर देता हूं। अब उस कलाई पे हर दिन नई निशानी है, अब उस कलाई पे हर दिन नई निशानी है, हम अहले दिल के लिए ये खुली निशानी है। अब उस कलाई पे हर दिन नई निशानी है, हम अहले दिल के लिए ये खुली निशानी है। सफेद हाथ नजर आ रहा है खिड़की में, सफेद हाथ नजर आ रहा है खिड़की में, मेरे ख्याल से ये सुलह की निशानी है। क्या कहने अब उस कलाई पे हर दिन नई निशानी है, हम अहले दिल के लिए ये खुली निशानी है। सफेद हाथ नजर आ रहा है खिड़की में, मेरे ख्याल से ये सुलह की निशानी है। मैं कह रहा था कि उससे बड़े मरासिम है, मैं कह रहा था कि उससे बड़े मरासिम है, तो गांव वालों ने पूछा कोई निशानी है। क्या कहने मैं कह रहा था कि उससे बड़े मरासिम है, तो गांव वालों ने पूछा कोई निशानी है। हमारे पास तेरी कोई भी निशानी नहीं, हमारे पास तेरी कोई भी निशानी नहीं, हमारे पास यही आखिरी निशानी। क्या कहने हमारे पास तेरी कोई भी निशानी नहीं, हमारे पास यही आखिरी निशानी है। वो होंठ जो किसी साजिश के ताने बाने लगे, वो होंठ जो किसी साजिश के ताने बाने लगे, जवाब बन नहीं पाया तो मुस्कुराने लगे। क्या कहने वो होंठ जो किसी साजिश के ताने बाने लगे, जवाब बन नहीं पाया तो मुस्कुराने लगे। मुर्रखीन बताते हैं दो दिलों से उठी, मुर्रखीन बताते हैं दो दिलों से उठी, हमें जो आग बुझाते हुए जमाने लगे। क्या कहिए फिर सुनाइए। शुक्रिया। मुर्रखीन बताते हैं दो दिलों से उठी, हमें जो आग बुझाते हुए जमाने लगे। हमारे अहद में एक इल्म है मईशत भी, हमारे अहद में एक इल्म है मईशत भी, हमारे अहद के सुकरात भी कमाने लगे। क्या कहिए हमारे अहद में, शुक्रिया, एक इल्म है मईशत भी, हमारे अहद के सुकरात भी कमाने लगे। हमारा उससे बिछड़ना भी रायगा ही गया, हमारा उससे बिछड़ना भी रायगा ही गया, उसे ठिकाना मिला है ना हम ठिकाने हमारा उससे बिछड़ना भी रायगा ही गया, उसे ठिकाना मिला है ना हम ठिकाने लगे। फिसला तो मियां तय है कि गरकाब तो होगा, फिसला तो मियां तय है कि गरकाब तो होगा, आंखों में समंदर न सही ख्वाब तो होगा। फिसला तो मियां तय है कि गरकाब तो होगा, आंखों में समंदर न सही ख्वाब तो होगा। गुमसुम सा जो एक शख्स है दालान में बैठा, गुमसुम सा जो एक शख्स है दालान में बैठा, उसका भी कोई हल्का आवाब तो होगा। गुमसुम सा जो एक शख्स है दालान में बैठा, उसका भी कोई हल्का आवाब तो होगा। मत मुझसे उलझ दोस्त बस इतना सा समझ ले, मत मुझसे उलझ दोस्त बस इतना सा समझ ले, जो खुद को मुयस्सर नहीं नायाब तो होगा। मत मुझसे उलझ दोस्त बस इतना सा समझ ले, जो खुद को मुयस्सर नहीं नायाब तो होगा। मुझसे नफरत करते करते तू भी मुझसा हो गया, मुझसे नफरत करते करते तू भी मुझसा हो गया, शुक्रिया ऐ शख्स मेरा बोझ हल्का हो गया। मुझसे नफरत करते करते तू भी मुझसा हो गया, शुक्रिया ऐ शख्स मेरा बोझ हल्का हो गया।
चंद ही रानाइयां हैं इस जहान खाक में, चंद ही रानाइयां हैं इस जहान खाक में, दिल हुआ दरिया हुआ या उसका चेहरा हो गया। वाह वाह, चंद ही रानाइयां हैं इस जहान खाक में, दिल हुआ दरिया हुआ या उसका चेहरा हो गया। क्या अजब तदबीर से, क्या अजब तदबीर से रोका है उसने मेरा वार, क्या अजब तदबीर से रोका है उसने मेरा वार, मैंने जब तलवार उठाई वो निहत्ता हो गया। क्या अजब तदबीर से रोका है उसने मेरा वार, मैंने जब तलवार उठाई वो निहत्ता हो गया। इश्क वो सर्कस है ऐ लो वारदाने शहरे दिल, इश्क वो सर्कस है ऐ लो वारदाने शहरे दिल, जो तमाशा करने आया खुद तमाशा हो गया। इश्क वो सर्कस है लो वारदाने शहरे दिल, जो तमाशा करने आया खुद तमाशा हो गया। वो गया तो बढ़ गई उसकी तलब राज है पेशाम, वो गया तो बढ़ गई उसकी तलब राज है पेशाम, सूख जाने पर ये दरिया और गहरा हो गया। सूख जाने पर ये दरिया और गहरा हो गया। क्या अजब तदबीर से रोका है उसने मेरा वार, क्या अजब तदबीर से रोका है उसने मेरा वार, मैंने जब तलवार उठाई वो निहत्ता हो गया। शुक्रिया। कुछ शेर और सुना के इजाजत चाहता हूँ, मैं सुना देता हूँ। हम जो सोए तो जग गए तेरे हाथ, हम जो सोए तो जग गए तेरे हाथ, ख्वाब गाहों को ठग गए तेरे हाथ, आंख रोशन हुई तो हम पे खुला, आंख रोशन हुई तो हम पे खुला, हम अंधेरे में लग गए तेरे हाथ। आंख रोशन हुई तो हम पे खुला, हम अंधेरे में लग गए तेरे हाथ, जिस्म की खाक छानने के लिए, जिस्म की खाक छानने के लिए बाकियों से अलग गए तेरे हाथ। और हम वो दीवारे ताजा रंग जहां, हम वो दीवारे ताजा रंग जहां, बेख्याली में लग गए तेरे हाथ। हम वो दीवारे ताजा रंग जहां, बेख्याली में लग गए तेरे हाथ। खतरे की घंटियों से भागे हुए, ख्वाब की दस्तकों से भागे हुए, खतरे की घंटियों से भागे हुए, ख्वाब की दस्तकों से भागे हुए, अपनी गलियों में आके मारे गए अजनबी सरहदों से भागे हुए, अपनी गलियों में आके मारे गए अजनबी सरहदों से भागे हुए, उसकी सहरा मिजाजियों के सबब, उसकी सहरा मिजाजियों के सबब, हम खुले पानियों से भागे हुए। शाहजादी तू जंग चाहती है, शाहजादी तू जंग चाहती है, और हम लश्करों से भागे हुए। लौट एक दिन तो गजल और सुना के जाते, तुम लौट आए हैं खाक छान के भी, लौट आए हैं खाक छान के भी, क्या मिला दिल की बात मान के भी, क्या मिला दिल की बात मान के भी, इन सितारों को खामखा न समझ, इन सितारों को खामखा न समझ, जख्म होते हैं आसमान के भी। वाह वाह, इन सितारों को खामखा न समझ, बहुत अच्छे, जख्म होते हैं आसमान के भी, अपने सर में हवा रही जब तक, अपने सर में हवा रही जब तक, हम मुखालिफ थे बात बान के भी। और जिंदगी वो लिबास है जो हमें, जिंदगी वो लिबास है जो हमें, पूरा आया न खेंचतान के भी, जिंदगी वो लिबास है जो हमें, पूरा आया न खेंचतान के भी। ये खाई मसले का हल नहीं है, ये खाई मसले का हल नहीं है, जुदाई मसले का हल नहीं है, ये खाई मसले का हल नहीं है, जुदाई मसले का हल नहीं है, जमीनी मसलों का हल निकालो, खुदाई मसले का हल नहीं है। ये खाई मसले का हल नहीं है, जुदाई मसले का हल नहीं है, जमीनी मसलों का हल निकालो, खुदाई मसले का हल नहीं है।
लड़ाई ही हमारा मसला है, लड़ाई मसले का हल नहीं। लड़ाई ही हमारा मसला है, लड़ाई मसले का हल नहीं है। तू फिर से आ गया है मुंह उठा के, ओ भाई मसले का हल नहीं है। तू फिर से आ गया है मुंह उठा के, ओ भाई मसले का हल नहीं है। इन्हें दुनिया में जीना भी सिखाओ, रिहाई मसले का हल नहीं है। इन्हें दुनिया में जीना भी सिखाओ, रिहाई मसले का हल नहीं है। लगाओ सोच की गर्दन को फंदा, लगाओ सोच की गर्दन को फंदा, ये टाइम मसले का हल नहीं है। दावत सुखन देना चाहूंगी मैं डॉक्टर उमर अजीज साहब को। डॉक्टर साहब पेशे के एतबार से तो जी औजार और निश्तर से काम लेते हैं, सर्जन है, मगर उन्हें माशरे की नफ्स देखने का ढंग भी बखूबी आता है। आइए इन्हें मिलकर सुनते हैं। साहिब अदालत की इजाजत से, जिससे आंखों में निदामत की नमी होती है, जिससे आंखों में निदामत की नमी होती है, उस मोहब्बत में मोहब्बत की कमी होती है। जिससे आंखों में निदामत की नमी होती है, उस मोहब्बत में मोहब्बत की कमी होती है। तू मेरे पास कभी आए तो जाने क्या हो, तू मेरे पास कभी आए तो जाने क्या हो, तुझको सोचूं तो मेरी सांस थमी होती है। और इस तरह सूखता जाता है तेरे बिन ये दिल, जैसे दरियाओं में पानी की कमी होती है। और किसी को वस्ल किसी को जुदाई देता है, खुदा करे तो बुतों को खुदाई देता है। हमारे बीच में रहती नहीं हदें कोई, कभी कभार वो इतनी रसाई देता है। बदन उदासी अंधेरा हवाएं खामोशी, बुझे चिराग तो क्या क्या सुनाई देता है, और जख्म गहरा नहीं पुराना था, मरहमों का यही बहाना था। और एक तो वो हमारा था ही नहीं, दूसरा ये कि उसको जाना था। घर भी नए हैं लोग पुराने नहीं रहे, ए शहरे यार अब वो ठिकाने नहीं रहे। और घंटी बजा के भागते बच्चों की खैर हो, क्या कहने, बहुत अच्छा शेर है। अब इन शरारतों के जमाने नहीं रहे। कुछ मुझ में दरगुजर की सहूलत नहीं बची, कुछ उसके पास अच्छे बहाने नहीं रहे। और एक नज़्म के साथ इजाजत चाहूंगा, उसका उन्वान है नई औरत।
ये आप सबके नाम है, वैसे लड़कियां हैं लेकिन फिर भी चले नई औरत यूनिवर्सिटी फिर भी विमेन है। अभी भी जिस्म वैसा है, अभी भी खालो खत में कोई तब्दीली नहीं आई, वही चेहरा वही आंखें वही जुल्फें वही सांसें, अभी भी कोख में इसकी बकाए नस्ल आदम है, अभी भी वो सरापा सिंफ नाजुक है, अभी भी आंसुओं से गम खुशी इजहार करती है, अभी भी आंसुओं से गम खुशी इजहार करती है, अभी भी वो कलम की नोक से लिखे हुए लफ्जों का मरकज है। क्या कहें, फसाना शायरी नॉवल उसी के दम से जिंदा है, अभी भी भूख से उतरी नजर से देखते उब्दुल हवस करगिस बने इसके ताकुब में हमेशा पाए जाते हैं, बदन को नोचने वाले रहे नाकाम तो किरदार के नाशे पे उनके दांत करते हैं। क्या कहिए, अभी भी सब वही तो है, वही बेटी वही बीवी वही बहनें वही माएं कि जिनके नाम पर गैरत में आके सब उन्हीं के नाम की गाली उगलते हैं, अभी भी सब वही तो है, वही बेटी वही बीवी वही बहनें वही माएं कि जिनके नाम पर गैरत में आके सब उन्हीं के नाम की गाली उगलते हैं, अभी भी सब वही तो है, मगर अब फर्क इतना है यकीन जात के पर्दे में सब कुछ तोल सकती है, हयाते बेअमां में आरजू के बंद रस्ते खोल सकती है, ये औरत बोल सकती है। सुना दें वो बहुत दास करती थी, मैं आप सबकी फरमाइश कर नरगिस फातिमा जो एक 4 साल की बच्ची और उसकी हमारे हॉस्पिटल में बाद में डेथ हो गई, तो ऑपरेशन के दौरान उसने मुझे कहा कि गोद में उठा लो ऑपरेशन से पहले, और ये हमारा आखिरी मुकालमा था उसी पे एक नर्स में उसी बच्ची के नाम पर, क्योंकि वो मेरे दिल में रहती है। नरगिस फातिमा उठा लो गोद में मुझको थी उसकी आखिरी ख्वाहिश, उठा लो गोद में मुझको थी उसकी आखिरी ख्वाहिश, मेरे बाजू में उसकी 4 साला उंगलियां पैवस्त हैं अब तक, मेरे दिल पर कलेजे पर वो आहें सब हैं अब तक, अरे तुफ है मसीहाई के दामों पर मेरी सब डिग्रियों पर, अरे तुफ है मसीहाई के दावों पर मेरी सब डिग्रियों पर, उस लहू लुथरी हुई एक फूल पेशानी पे बोसा धर नहीं पाया, मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पे पूरी कर नहीं पाया, मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश पे पूरी कर नहीं पाया। क्या कहिए डॉक्टर उमर अजीज साहब, बहुत खूब। डॉक्टर साजिद रहीम साहब को दावत सुकून देना चाहूंगी, डॉक्टर साहब की शायराना हैसियत मुस्तहकम है, वो शेरी इजहार के हवाले से मासूर शोरा में बहुत नुमाया है, उनके यहाँ रिवायात का पासूल लिहाज तो आपको नजर आएगा, साथ में असली आगही और इजहार की ताजगी भी मिलेगी। आप सबकी भरपूर तालियों में डॉक्टर साजिद रहीम। अच्छा डॉक्टर साहब की एक और खूबी जो है वो आपके साथ खसूसियत मैं शेयर करना भूल गई, डॉक्टर साहब जो है वो जहन को पढ़ने का फन जानते हैं, तो आज देखते हैं कि इनके अल्फाज जो है हमारी रूह में उतरते हैं कि नहीं। जहन को पढ़ने के फन की बात कर दी, वहां मेरे मेंटोर आ गए हैं सुनने के लिए, प्रोफेसर मोहम्मद राणा साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। एक गजल के कुछ अशार के, झूठ कहते हैं कि आवाज लगा सकता है, झूठ कहते हैं कि आवाज लगा सकता है, डूबने वाला फकत हाथ हिला सकता है, झूठ कहते हैं कि आवाज लगा सकता है, डूबने वाला फकत हाथ हिला सकता है, और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था,
क्या कहने। और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था, कौन बदबख्त तुझे छोड़ के जा सके। और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था, कौन बदबख्त तुझे छोड़ के जा सकता है। और छोड़ के जाने से याद आया कि तुम्हें जाना है जाओ, खुश रहो तुम। तुम्हें जाना है जाओ, खुश रहो तुम, मैं भर लूंगा ये घाव, खुश रहो तुम। तुम्हें जाना है जाओ, खुश रहो तुम, मैं भर लूंगा ये घाव, खुश रहो तुम। बिछड़कर मुझसे कितने खुश रहे हो, बिछड़कर मुझसे कितने खुश रहे हो, मुझे तो मत बताओ, खुश रहो तुम। बिछड़कर मुझसे कितने खुश रहे हो, मुझे तो मत बताओ, खुश रहो तुम। तुम्हारी दिल रुबाई रास आई, तुम्हारी दिल रुबाई रास आई, मेरी सब दिल रुबाओ, खुश रहो। तुम्हारी दिल रुबाई रास आई, मेरी सब दिल रुबाओ, खुश रहो तुम। ये किस बेजा तकल्लुफ में पड़े हो, ये किस बेजा तकल्लुफ में पड़े हो, छुड़ाओ हाथ जाओ, खुश रहो तुम। किसी सुबह का तो मंजर सभी काम जा रहे थे, किसी सुबह का था मंजर सभी काम जा रहे थे, बड़े शौक से परिंदे तहे दाम जा रहे थे। क्या कहने। किसी सुबह का था मंजर सभी काम जा रहे थे, बड़े शौक से परिंदे तहे दाम जा रहे थे, वो जुदा हुआ था जिस पल नहीं भूलता वो मंजर, वो जुदा हुआ था जिस पल नहीं भूलता वो मंजर, मैं वहीं खड़ा हुआ था दरोबाम जा रहे थे। वो जुदा हुआ था जिस पल नहीं भूलता वो मंजर, मैं वहीं खड़ा हुआ था दरोबाम जा रहे थे, मुझे कुछ बुरा नहीं था तेरे बाजुओं में रहना, मुझे कुछ बुरा नहीं था तेरे बाजुओं में रहना, मेरे काम थे जरूरी मेरे काम जा रहे थे, मुझे कुछ बुरा नहीं था तेरे बाजुओं में रहना, मेरे काम थे जरूरी मेरे काम जा रहे थे। और ऐसे मौके पे अगर आपकी बेगम आ जाए हॉल में तो माजरत के साथ मैं मशवरा दे रहे हैं अफजल भाई की मतलब पे आती है दुआ में शुरू कर देता हूँ। चले एक गजल के कुछ और अशार। एक कांच, कांच आंखों में जब होना तो नहीं बनता है, कांच आंखों में जब होना तो नहीं बनता है, फिर वही ख्वाब पे रोना तो नहीं बनता है, ऐन मुमकिन है तेरा लम्स करामत कर दे, ऐन मुमकिन है तेरा लम्स करामत कर दे, वरना पीतल कभी सोना तो नहीं बन रहा है, ऐन मुमकिन है तेरा लम्स करामत कर दे, वरना पीतल कभी सोना तो नहीं बनता है, जबकि खुद तूने जुदाई को चुना अपने लिए, जबकि खुद तूने जुदाई को चुना अपने लिए, फिर ये हर शब तेरा रोना तो नहीं बनता, जबकि खुद तूने जुदाई को चुना अपने लिए, फिर ये हर शब तेरा रोना तो नहीं बनता है, हमने माना कि कहानी है उसी की लेकिन, हमने माना कि कहानी है उसी की लेकिन, उसका हर बाब में होना तो नहीं बनता, क्या। और है कि मुद्दत हुई शेरों के सिवा कुछ नहीं कहता, मुद्दत हुई शेरों के सिवा कुछ नहीं कहता, यानी मैं बजुस नाजो अदा कुछ नहीं कहता, करता है मोहब्बत तो परस्तिश की हदों तक, करता है मोहब्बत तो परस्तिश की हदों तक, बरहम हो तो गुस्से में वो क्या कुछ नहीं कहता, करता है मोहब्बत तो परस्तिश की हदों तक, बरहम हो तो गुस्से में वो क्या कुछ नहीं कहता,
देता है कोई शोख बदन इसने जसारत, देता है कोई शोख बदन इसने जसारत, तू हाथ बढ़ा बंदे कबा कुछ नहीं कहता। देता है कोई शोख बदन इसने जसारत, तू हाथ बढ़ा बंदे कबा कुछ नहीं कहता। दरवेश तबीयत मुझे विरसे में मिली है, दरवेश तबीयत मुझे विरसे में मिली है, मैं ठीक गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं कहता। दरवेश तबीयत मुझे विरसे में मिली है, मैं ठीक गलत अच्छा बुरा कुछ नहीं कहता। ए नेक मनश मेरी नहीं फिक्र कर अपनी, ए नेक मनश मेरी नहीं फिक्र कर अपनी, उजड़े हुए लोगों को खुदा कुछ नहीं कहता। अनेक मनुष्य मेरी नहीं फिक्र कर अपनी, उजड़े हुए लोगों को खुदा कुछ नहीं कहता। और ये जो नजर आता है हर एक दाग सलामत, ये जो नजर आता है हर एक दाग सलामत, यूं है कि पुराने को नया कुछ नहीं कहता। और एक अपने मेंटोर की नजर के, हमेशा गफ है हमेशा से नफसियात के साथ, हमेशा गफ है हमेशा से नफसियात के साथ, अमल से बढ़ के अमल के मुहर्रिकात के साथ, अमल से बढ़ के अमल के मुहर्रिकात के साथ, तमाम रिश्तों की मियाद एक मुकर्रर है, तमाम रिश्तों की मियाद एक मुकर्रर है, अब इतनी अक्ल तो आती है तजुर्बात के साथ। तमाम रिश्तों की मियाद एक मुकर्रर है, अब इतनी अक्ल तो आती है तजुर्बात के साथ। झिड़कना बात न सुनना गला दबा देना, झिड़कना बात न सुनना गला दबा देना, मेरा उमूमी रवैया है ख्वाहिशात के साथ। झिड़कना बात न सुनना गला दबा देना, मेरा उमूमी रवैया है ख्वाहिशात के साथ। तो इसके बाद चूंकि घर जाना है तो बेगम की नजर कर दूं इस तरफ दी, मैं घर जाता हूं दीनियात के साथ। बहुत सुंदर गजब अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर गजब अच्छा लगेगा, तू जो पहनेगा सब अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर गजब अच्छा लगेगा, तू जो पहनेगा सब अच्छा लगेगा, अभी कुछ देर में आंखें खुलेंगी। ये आप लोगों के लिए जो हंस रहे, अभी कुछ देर में आंखें खुलेंगी, अभी कुछ देर सब अच्छा लगेगा, अभी कुछ देर में आंखें खुलेंगी, अभी कुछ देर सब अच्छा लगेगा। हमें आदत है पत्थर चूमने की, हमें आदत है पत्थर चूमने की, हमें कब कोई लब अच्छा लगेगा। बिखर जाऊंगा तब अच्छे रहोगे, बिखर जाऊंगा तब अच्छे रहोगे, बिछड़ जाऊंगा तब अच्छा लगेगा, बिखर जाऊंगा तब अच्छा लगेगा। और तुम्हारे साथ जो अच्छा लगा है, तुम्हारे साथ जो अच्छा लगा है, तुम्हारे बाद कब अच्छा लगेगा। बचपन मैं दिलों से खौफ निकाला गया था बचपन में, दिलों से खौफ निकाला गया था बचपन में, हमें हवा में उछाला गया था बचपन में। मैं इसलिए भी समझता हूँ हिजरतों का दुख, मैं इसलिए भी समझता हूँ हिजरतों का दुख, मुझे भी घर से निकाला गया था बचपन में। मैं इसलिए भी समझता हूँ हिजरतों का दुख, मुझे भी घर से निकाला गया था बचपन में, वो अब किसी से संभाले नहीं संभलता है। क्या अच्छा वो अब किसी से संभाले नहीं संभलता है, जिसे ज्यादा संभाला गया था बचपन में। वो अब किसी से संभाले नहीं संभलता है,
जिसे ज्यादा संभाला गया था बचपन में, तुम्हारे बाद मुझे तितलियों से खौफ आया, तुम्हारे बाद मुझे तितलियों से खौफ आया, अगरचे शौक ये पाला गया था बचपन में, और तमाम उम्र मेरी सोच उसमें उलझी रही, तमाम उम्र मेरी सोच उसमें उलझी रही, मैं जिस फरेब में डाला गया था बचपन में। और बताऊं क्या जो ताल्लुक है पत्थरों से मेरा, बताऊं क्या जो ताल्लुक है पत्थरों से मेरा, इन्हें भी घर में उबाला गया था बचपन में। और पीछे जो सीढ़ियों पर बैठी हैं लड़कियां, उनके नाम आपके, यार ये फूल जमीन पर किसने रखे थे? यार ये फूल जमीन पर किसने रखे हैं, इनको तो गुलदान में होना होता है। पजीराई के इस सिलसिले को इसी तरह जारी रखिएगा, क्योंकि इस वक्त पे दावत सुकून देना चाह रही हूँ इमरान आमिर साहब को, जिन्होंने उरूज, शोहरत, इज्जत और बेपनाह मोहब्बत के सभी रंग देखे हैं। कर्नल साहब अपने मेंटरों के नाम का रहे गजल। मैं शुरू इश्क में आली साहब के पास आया तो उन्होंने एक वाक्या सुनाया था। वैसे मैं गुफ्तगू का आदमी नहीं हूं। हम नेशनल सिटी होटल पे बैठे थे लियाकत बाग में, तो उन्होंने कहा मैं एक मुशायरा पाड़ा था सियालकोट में। तो एक उस्ताद मुशायरे की सदारत कर रहे थे, उनका तखल्लुस था आतिश खलील आतिश। तो उनका जो भी शायर आता तो शागिर्द आता तो वो कहता कि मैं अपना कलाम बजरे आतिश करता हूं। तो अली साहब ने आखिरी कार तंग आना था, आखिरी शायर चुके साहिब सल से कब्ज में रहने अली साहब थे, तो इन्होंने कहा मैं नहीं अपना कलाम नजरे आती थी कर आपके लिए। इसलिए सब पे खौफदारी है, इसलिए सब पे खौफदारी है, अब मेरे बोलने की बारी है। इसलिए सब पे खौफदारी है, अब मेरे बोलने की बारी है। आप खुलिए बोलिए। इन दिनों आग की लपेट में हूँ, इन दिनों आग की लपेट में हूँ, और दरिया से अपनी यारी है। इन दिनों आग की लपेट में हूँ और दरिया से अपनी यारी है, जिस कदर बदतमीज लड़की है उस कदर देखने में प्यारी है, जिस कदर बदतमीज लड़की है उस कदर देखने में प्यारी है। और आलिया के लिए ये एक तो बेतकान बोलते हो, उस पे उर्दू जुबान बोलते हो, एक तो बेतकान बोलते हो उस पे उर्दू जुबान बोलते हो, ख्वाब से आदमी हो तुम लेकिन नींद के दरमियान बोलते हो, से आदमी हो तुम लेकिन नींद के दरमियान बोलते हो, जाने कितनों की जान है आमी जिसको तुम अपनी जान बोलते हो, जाने कितनों की जान है आमी जिसको तुम अपनी जान बोलते हो। शायरी सुना सर आपके लिए, अजब मजाक रवा है यहां निजाम के साथ, अजब मजाक रवा है यहां निजाम के साथ, वही यजीद के साथी वही इमाम के साथ। अजब मजाक रवा है यहां निजाम के साथ, वही यजीद के साथी वही इमाम के साथ, मैं रात उलझता रहा दीन और दुनिया से, मैं रात उलझता रहा दीन और दुनिया से, गजल के शेर भी कहता रहा सलाम के साथ, मैं रात उलझता रहा दीन और दुनिया से, गजल के शेर भी कहता रहा सलाम के साथ, ये झूठ मूठ के दरवेश फिर कहां खुलते, ये झूठ मूठ के
दरवेश फिर कहां खुद से कि मैं शराब न रखता अगर तो आम के साथ। ये झूठ मूठ के दरवेश फिर कहां खुद से कि मैं शराब न रखता अगर तो आम के साथ। मेरे खिलाफ अदालत भी थी जमाना भी, मेरे खिलाफ अदालत भी थी जमाना भी, मुझे तो जुर्म बताना भी था छुपाना भी। मेरे खिलाफ अदालत भी थी जमाना भी, मुझे तो जुर्म बताना भी था छुपाना भी। और अब की बार तो ऐसे कमान खींची है, और अब की बार तो ऐसे कमान खींची है कि तीर ले उड़ा शाना भी और निशाना भी। और अब की बार तो ऐसे कमान खींची है कि तीर ले उड़ा शाना भी और निशाना भी। जो सांप गैर जरूरी थे मार डाले हैं, जो सांप गैर जरूरी थे मार डाले हैं, अब आस्तीन भी सलामत है आस्ताना भी। जो सांप गैर जरूरी थे मार डाले हैं, अब आस्तीन भी सलामत है आस्ताना भी। हमारे शहर के लोगों को खूब आता है, हमारे शहर के लोगों को खूब आता है किसी को सर पे बिठाना भी और गिराना भी। हमारे शहर के लोगों को खूब आता है किसी को सर पे बिठाना भी और गिराना भी। उसने तो खैर इस्तखारा किया, उसने तो खैर इस्तखारा किया, मैंने ये भी नहीं गवारा किया। उसने तो खैर इस्तखारा किया, मैंने ये भी नहीं गवारा किया। तेरी जादूगरों से दोस्ती थी, क्या किसी ने तुझे सितारा किया। तेरी जादूगरों से दोस्ती थी, क्या किसी ने तुझे सितारा किया। फूल पर होंठ रख दिए उसने, फूल पर होंठ रख दिए उसने, यानी प्यारे को और प्यारा किया। फूल पर होंठ रख दिए उसने, यानी प्यारे को और प्यारा किया। हमने तो जो किया किया, लेकिन तूने क्या सोचकर खसारा किया। हमने तो जो किया किया, लेकिन तूने क्या सोचकर खसारा किया। फिर वो दरिया हुआ के दिल आमी, फिर वो दरिया हुआ के दिल आमी, जब किनारा किया किनारा किया। फिर वो दरिया हुआ के दिल आमी, जब किनारा किया किनारा किया। एक गजल की फरमाइश थी वो सुना देता हूँ। मजमाए मैं कशां लगा हुआ है, मजमाए मैं कशां लगा हुआ है, मस्त है जो जहां लगा हुआ है। मजमाए मैं कशां लगा हुआ है, मस्त है जो जहां लगा हुआ है। सब जवारी हैं और जानते हैं, सब जवारी हैं और जानते हैं किसका कितना कहां लगा हुआ है। सब जवारी हैं और जानते हैं किसका कितना कहां लगा हुआ है। तेरी मौजूदगी में लगता है, तेरी मौजूदगी में लगता है आईना रायगां लगा हुआ है। तेरी मौजूदगी में लगता है आईना रायगां लगा हुआ है। मैं अगर बेजमीन हो गया हूं, तू बड़ा आसमान लगा हुआ है। मैं अगर बेजमीन हो गया हूं, तू बड़ा आसमान लगा हुआ है। मुझे यकीन है कि मेरी कुछ ग्राइंड भी इधर बैठी होगी, गुजर खान कलर से पटवारी के लोग। वन सवने चीले सारे लाने से, वन सवने चीले सारे लाने पे, माड़े बच्चे सेड़ी टूड़ा खाने पे। वन सवने चीले सारे लाने पे, माड़े बच्चे सेड़ी टूड़ा खाने पे। आले तिकर उए बालन बनना पिया, आले तिकर उए बालन बनना पिया, वड वडेरे उए गन्ना बाने पे। आले तिकर उए बालन बनना पिया, वड वडेरे उए गन्ना बाने पे। मेरे ने विच टूरने आले क्या दसा, मेरे ने विच टूरने आले क्या दसा, अग्गे दसने पे के पिछे आने पे।
मैं दूरी आने क्या दसा अगे दसने पे के पीछे आने पे खबर है किस भुलेखे मारिया लोकां की खबर है किस भुलेखे मारिया लोकां की माड़िया गल्लां माड़े नाल ही बाणे पे खबर है किस भुलेखे मारिया लोकां की माड़िया गल्लां माड़े नाल ही बाणे पे मैं ते उसकी पहली बारी तकिया सा मैं ते उसकी पहली बारी तकिया सा तो कह ले कोलूं दर वधाणे पे मैं ते उसकी पहली बारी तकिया सा तो कह ले कोलूं गल वधाणे पे टबरी की और पिज्जा आनी देना पिया टबरी भाई तो कहते टबरी की और पिज्जा आनी देना पिया मंजी अपर मापे भुखे पाने पे टबरी की और पिज्जा आनी देना पिया मंजी अपर मापे भुखे पाने पे गुड़िया नाल पटोले हुसन गुड़िया नाल पटोले हुसन संगता नाल तरोले हुसन गुड़िया नाल पटोले हुसन संगता नाल तरोले हुसन तो कह चू खुशबो पे यशमी आज फिर बाल उस गोले हुसन बहुत सीनियर शायर हर खासो आम के जज्बात की तर्जुमानी करते हैं इनके अशार मैं चाहती हूँ कि इसी भरपूर मोहब्बत से इन्हें बुलाया जाए जुनेद आजिफ साहब एक शेर है उसने दीवारे जहां पे दस्तक दी उसने दीवारे जहां पे दस्तक दी मैं बदन छोड़कर निकल आया क्या कही उसने दीवारे जहां पे दस्तक दी मैं बदन छोड़कर निकल आया जिस कदर भी फैल जाऊं मंजरों के दरमियां आसमां तो आ नहीं सकता परों के दरमियां जिस कदर भी फैल जाऊं मंजरों के दरमियां आसमां तो आ नहीं सकता परों के दरमियां मेरे रोने की सदा जाती नहीं हमसाए तक क्या कहनी मेरे रोने की सदा जाती नहीं हमसाए तक और कितना फासला हो दो घरों के दरमियान मेरे रोने की सदा जाती नहीं हमसाए तक और कितना फासला हो दो घरों के दरमियान फलक से दश से उठकर कहाँ से आते हैं फलक से दश से उठकर कहाँ से आते हैं ये वहशतों भरे मंजर कहाँ से आते हैं मैं फूल बांटता रहता हूँ शहर वालों में फिर इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आते हैं सड़क से दश से उठकर कहाँ से आते हैं ये वहशतों भरे मंजर कहाँ से आते हैं मैं फूल बांटता रहता हूँ शहर वालों में फिर इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आते हैं एक आफ्ताब के हम सर चराग मेरा भी था क्या कहनी एक आफ्ताब के हम सर चराग मेरा भी था सो कुछ दिनों तो फलक पर दिमाग मेरा भी था एक आफ्ताब के हम सर चराग मेरा भी था सो कुछ दिनों तो फलक पर दिमाग मेरा भी था तेरे बहिश्त से गुजरा तो याद आया मुझे इसी तरह का कहीं एक बाग मेरा भी था क्या कहना एक आफ्ताब के हम सर चराग मेरा भी था तो कुछ दिनों तो फलक पर दिमाग मेरा भी था तेरे बहिश्त से गुजरा तो याद आया मुझे इसी तरह का कहीं एक बाग मेरा भी था और बारिश ने इतनी देर की फसलें खरीफ में बारिश ने इतनी देर की फसलें खरीफ में कौपल सिमट के रह गई शाखे जरीफ में बारिश ने इतनी देर की फसलें खरीफ में
कौपल सिमट के रह गई शाखे जरीफ में, पेड़ों के काफिए थे बहुत तंग इसलिए, पेड़ों के काफिए थे बहुत तंग इसलिए, सहरा की धूप बांध दी मैंने रदीफ में। पेड़ों के काफिए थे बहुत तंग इसलिए, पेड़ों के काफिए थे बहुत तंग इसलिए, सहरा की धूप बांध दी मैंने रदीफ में। और एक गजल के चंद अशआर, खुली आंखों से सोने की अजियत मार देती है, खुली आंखों से सोने की अजियत मार देती है, हमें तो नींद की बेमानवियत मार देती है, हमें तो नींद की बेमानवियत मार देती है, कहीं वर्षे में अंधी ख्वाहिशें परवान चढ़ती हैं, कहीं वर्षे में अंधी ख्वाहिशें परवान चढ़ती हैं, कहीं जिंदों को मुर्दों की वसीयत मार देती है, कहीं वर्षे में अंधी ख्वाहिशें परवान चढ़ती हैं, कहीं जिंदों को मुर्दों की वसीयत मार देती है, किसी से उम्र भर की आशनाई कुछ नहीं देती, किसी से उम्र भर की आशनाई कुछ नहीं देती, किसी से लम्हा भर की अजनबियत मार देती, किसी से उम्र भर की आशनाई कुछ नहीं देती, किसी से लम्हा भर की अजनबियत मार देती है, और अना पर बोझ होती हैं कहीं बेशक्ल आवाजें, अना पर बोझ होती हैं कहीं बेशक्ल आवाजें, कहीं खामोशियों की अक्सरियत मार देती कहीं खामोशियों की अक्सरियत मार देती है। और दो चार इशारे और गजल से अब्दुल भाई आपके लिए, कि उठ कूचे खुमार से रख के सफर उठा के निकल गए, उठ कूचे खुमार से रख के सफर उठा, ऐ याद यार जानवे हसरत से सर उठा, उठ कूचे खुमार से रख के सफर उठा, ऐ याद यार जानवे हसरत से सर उठा, अब ढूंढ कोई और सहूलत कयाम की, अब ढूंढ कोई और सहूलत कयाम की, नोके मिजाज से साया दीवारों दर उठा, और ये जस्त मैंने तेरी ही तरगीब पर भरी, ये जस्त मैंने तेरी ही तरगीब पर भरी, लाजिम है अब ये तुझ पे मेरे बालों पर उठा। एक गजल से और, इस कदर तुझ में मुब्तला हो जाए, इस कदर तुझ में मुब्तला हो जाए, अपनी हस्ती से मावरा हो जाए, इस कदर तुझ में मुब्तला हो जाए, अपनी हस्ती से मावरा हो जाए, तुम हमें ढूंढते रहो और हम, तुम हमें ढूंढते रहो और हम, लम्हा गैब की सदा हो जाए, तुम हमें ढूंढते रहो और हम, लम्हा गैब की सदा हो जाए, नारवा हो जमाने भर के लिए, नारवा हो जमाने भर के लिए, एक तेरे लिए रवा हो जाए, नारवा हो जमाने भर के लिए, एक तेरे लिए रवा हो जाए, और सिर्फ तेरी नजर में आने को, सिर्फ तेरी नजर में आने को, हादसा बन के रूनुमा हो जाए। बहुत ममनून। हमारे दरमियान एक और कोना मशक और बहुत सीनियर शायर मौजूद हैं, सईद राजा साहब। मैं चाहूंगी कि अपना कलाम आप सबकी समातों की नजर करें। बहुत शुक्रिया। पहले तो मालिक के जुनेद आविज साहब मेरे से बहुत सीनियर शायर, उनको पहले बुला लिया गया, लेकिन उनके रोड की आज भी थी इसलिए मुस्तकिल कुंजे खामोशी में नहीं आ सकते, मुस्तकिल कुंजे खामोशी में नहीं आ सकते,
हम गिरफ्ते गमे हस्ती में नहीं आ सकते, हम न जुगनू हैं न तितली न सितारा कोई, हम न जुगनू हैं न तितली न सितारा कोई, हम तेरे ख्वाब की खिड़की में नहीं आ सकते, हम न जुगनू हैं न तितली न सितारा कोई, हम तेरे ख्वाब की खिड़की में नहीं आ सकते, और कोई तफसील बताना भी कहाँ है मुमकिन, कोई तफसील बताना भी कहाँ है मुमकिन, जख्म इतने हैं कि गिनती में नहीं आ सकते, कोई तफसील बताना भी कहाँ है मुमकिन, जख्म इतने हैं कि गिनती में नहीं आ सकते, और वसल की शर्त है मुट्ठी में सितारे लाऊं, वसल की शर्त है मुट्ठी में सितारे लाऊं, और सितारे मेरी मुट्ठी में नहीं आ सकते, वसल की शर्त है मुट्ठी में सितारे लाऊं, और सितारे मेरी मुट्ठी में नहीं आ सकते, और ख्वाब तहरीर किया और सईद उसने कहा तुम किसी और कहानी में नहीं आ सकते, ख्वाब तहरीर किया और सईद उसने कहा तुम किसी और कहानी में नहीं आ सकते। एक और गजल से इशारा कि हौसला सामान में रखा हुआ है, हौसला सामान में रखा हुआ है, अश भी इमकान में रखा हुआ है, हौसला सामान में रखा हुआ है, अश भी इमकान में रखा हुआ है, दीप ताकों में जलाए जा चुके हैं, दीप ताकों में जलाए जा चुके हैं, आंधियों को ध्यान में रखा हुआ है, और चांदनी रखी हुई है घर के अंदर, चांदनी रखी हुई है घर के अंदर, धूप को दालान में रखा हुआ है, चांदनी रखी हुई है घर के अंदर, धूप को दालान में रखा हुआ है, और इस जहां वो है जिसे सब देखते हैं, इस जहां वो है जिसे सब देखते हैं, इस तेरी मुस्कान में रखा हुआ है, क्या कहनी, इस जहां वो है जिसे सब देखते हैं, इस तेरी मुस्कान में रखा हुआ है, और लाओ कोई शय जो हो इसके बराबर, लाओ कोई शय जो हो इसके बराबर, दर्द को मीजान में रखा हुआ है, क्या कहिए, लाओ कोई शय जो हो इसके बराबर, दर्द को मीजान में रखा हुआ है, और जाने वाले लौट कर आते नहीं हैं, ऐसा क्या जिंदान में रखा हुआ है, क्या कहिए, जाने वाले लौट कर आते नहीं हैं, ऐसा क्या जिंदान में रखा हुआ है, और इस जहां वो है जिसे सब देखते हैं, इस तेरी मुस्कान में रखा हुआ है, और मदारे इश्क में आकर कलाम करने लगा, मदारे इश्क में आकर कलाम करने लगा, अजल से चुप था जो फरफर कलाम करने लगा, मदारे इश्क में आकर कलाम करने लगा, अजल से चुप था जो फरफर कलाम करने लगा, और तमाम होने लगी थी समातों की तलब, तमाम होने लगी थी समातों की तलब, फिर एक रोज वो पत्थर कलाम करने लगा, तमाम होने लगी थी समातों की तलब, फिर एक रोज वो पत्थर कलाम करने लगा, और हमारे शहर में कदवन थी बात करने पर, हमारे शहर में कदवन थी बात करने पर, मैं अपने आप से छुपकर कलाम करने लगा, क्या कहने, वाह वाह, हमारे शहर में कदम की बात करने पर मैं अपने आप से छुपकर कलाम करने लगा, और मेरी जुबान को लुकनत ने आ लिया था मगर वो हंस पड़ा तो मैं बेहतर कलाम करने लगा, क्या कहने, वाह, मेरी जुबान को लुकनत ने आ लिया था मगर वो हंस पड़ा तो मैं बेहतर कलाम करने लगा, और दरूने चश्म जरा सी तेरी झलक उतरी, दरूने चश्म जरा सी तेरी झलक उतरी, मेरी निगाह से मंजर कलाम करने लगा, और कुछ इस तरह मेरा बाहर खफा हुआ मुझसे, कुछ इस तरह मेरा बाहर खफा हुआ मुझसे, एक अजनबी मेरे अंदर कलाम करने लगा, क्या कहने, कुछ इस तरह मेरा बाहर खफा हुआ मुझसे, एक अजनबी मेरे अंदर कलाम करने लगा, और किसी सदा की जरूरत ही कब रहेगी सही, किसी सदा की जरूरत ही कब रहेगी सही,
अगर वो लम्स बराबर कलाम करने लगा और मदारे इश्क में आकर कलाम करने लगा, अजल से चुप था जो फर फर कलाम करने लगा, और अक्से यार में आंखें खोली, हिज्र आजार में आंखें खोली, मैंने कहा मंसूर हूं मैं थी, झट से दार ने आंखें खोली, मैंने कहा मंसूर हूं मैं भी, झट से दार ने आंखें खोली, और जू ही मसीहा ने लब खोले मुझ बीमार ने आंखें खोली, जू ही मसीहा ने लब खोले मुझ बीमार ने आंखें खोली, और तब दस्तक सर फोड़ चुकी थी जब दीवार ने आंखें खोली, तब दस्तक सर फोड़ चुकी थी जब दीवार ने आंखें खोली, मेरी जेब में सिक्के खनके और बाजार ने आंखें खोली, मेरी जेब में सिक्के खनके और बाजार ने आंखें खोली, बीनाई ने शोर मचाया और इजहार ने आंखें खोली, बीनाई ने शोर मचाया और इजहार ने आंखें खोली, और पहले पहले मैं जागा था फिर दो चार ने आंखें खोली, पहले पहले मैं जागा था फिर दो चार ने आंखें खोली, और मैंने अपना राज बताया अंधेगार ने आंखें खोली, मैंने अपना राज बताया अंधेगार ने आंखें खोली, और चोर खजाना लूट चुके तो चौकीदार ने आंखें खोली। हाजरीन, शायर का शऊर से तारुफ कब हुआ ये तो किसी के इल्म में नहीं, लेकिन एक दिन आता है जब शेर किरपास पर उतर कर शायर का तारुफ बन जाता है। यही अशआर बारिश की नन्ही बूंदों की तरह बरसते हुए एक शफाफ नदी का रूप धार लेते हैं, और वो नदी कल्बो नजर की खेतियां सैराब करती है। यही उनके कलाम का हुस्न है जो हमारी आज की बज़्म के मेहमान खुसूसी भी हैं। मैं चाहती हूं कि आप सब भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए, मोहतरम अंजुम सलीमी साहब। दूजे को देर से समझा देर से यारी की, एक दूजे को देर से समझा देर से यारी की, हम दोनों ने एक मोहब्बत बारी बारी की, एक दूजे को देर से समझा देर से यारी की, हम दोनों ने एक मोहब्बत बारी बारी की, खुद पर हंसने वालों में हम खुद भी शामिल थे, खुद पर हंसने वालों में हम खुद भी शामिल थे, हमने भी जी भरकर अपनी दिल आजारी, खुद पर हंसने वालों में हम खुद भी शामिल थे, हमने भी जी भरकर अपने दिल आजारी की, और बात रह सकती थी हो सकता था समझौता भी, बात रह सकती थी हो सकता था समझौता भी, दिल किसी बात पे आमादा मगर होता भी, क्या कहेंगे, दिल किसी बात पे आमादा मगर होता भी, मरने वाले तो कोई रिश्ता तो रहने देता, मरने वाले तो कोई रिश्ता तो रहने देता, मैं तुझे याद भी करता मैं तुझे रोता, मरने वाले तो कोई रिश्ता तो रहने देता, मैं तुझे याद भी करता मैं तुझे रोता भी, मैं तुझे याद भी करता मैं तुझे रोता भी, सख्त मुश्किल में किया हिजर ने आसान मुझे, सख्त मुश्किल में किया हिजर ने आसान मुझे,
दूसरा इश्क हुआ पहले के दौरान मुझे सच मुश्किल में किया है जिसने आसान मुझे दूसरा इश्क हुआ पहले के दौरान मुझे मैं मोहब्बत भी मोहब्बत के इवज देता हूँ मैं मोहब्बत भी मोहब्बत के इवज देता हूँ फिर भी हो जाता है इस काम में नुकसान मैं मोहब्बत भी मोहब्बत के इवज देता हूँ फिर भी हो जाता है इस काम में नुकसान मुझे चराग हाथ में हो तो हवा मुसीबत है चराग हाथ में हो तो हवा मुसीबत है सो मुझ मरीज़े अना को शिफा मुसीबत है सहूलतें तो मुझे रास ही नहीं आती सहूलतें तो मुझे रास ही नहीं आती कबूलियत की घड़ी में दुआ मुसीबत है सहूलतें तो मुझे रास ही नहीं आती कबूलियत की घड़ी में दुआ मुसीबत है उठाए फिरता रहा मैं बहुत मोहब्बत को उठाए फिरता रहा मैं बहुत मोहब्बत को फिर एक दिन यूं ही सोचा ये क्या होती उठाए फिरता रहा मैं बहुत मोहब्बत को उठाए फिरता रहा मैं बहुत मोहब्बत को फिर एक दिन यूं ही सोचा ये क्या मुसीबत है मैं कम ही रहता हूँ अंजुम खुदा की सोहबत में मैं कम ही रहता हूँ अंजुम खुदा की सोहबत में गुनाहगार को खौफ खुदा मुसीबत मैं कम ही रहता हूँ अंजुम खुदा की सोहबत में गुनाहगार को खौफ खुदा मुसीबत है गुनाहगार को खौफ खुदा मुसीबत है तुम्हारे नाम की नस्बत नहीं मिली अभी तक तुम्हारे नाम की नस्बत नहीं मिली अभी तक कोई भी काम की तोहमत नहीं मिली अभी तक और सभी को मिलता है रोने को गम कोई ना कोई सभी को मिलता है रोने को गम कोई ना कोई मुझे तो ये भी सहूलत नहीं मिली अभी तक सभी को मिलता है रोने को गम कोई ना कोई मुझे तो ये भी सहूलत नहीं मिली अभी तक कोई खुशी मेरी सोहबत में रहना चाहती है कोई खुशी मेरी सोहबत में रहना चाहती है मेरी तरफ से इजाजत नहीं मिली अभी तक कोई खुशी मेरी सोहबत में रहना चाहती है मेरी तरफ से इजाजत नहीं मिली अभी तक मैं आस पास में आवाजें देता फिरता हूँ मैं आस पास में आवाजें देता फिरता हूँ है कोई जिसको मोहब्बत नहीं मिली अभी तक मैं आस पास में आवाजें देता फिरता हूँ मैं आस पास में आवाजें देता फिरता हूँ है कोई जिसको मोहब्बत नहीं मिली अभी तक कुछ सही पे जले पड़े हुए थे कुछ सही पे जले पड़े हुए थे साथ दिल भी भुजे पड़े हुए थे और हिजर में भी हम एक दूसरे के हिजर में भी हम एक दूसरे के आमने सामने पड़े हुए हिजर में भी हम एक दूसरे के आमने सामने पड़े हुए थे जाने तोड़े थे किसने किसके लिए जाने तोड़े थे किसने किसके लिए फूल मेरे गले पड़े हुए जाने तोड़े थे किसने किसके लिए जाने तोड़े थे किसने किसके लिए फूल मेरे गले पड़े हुए थे और एक गजल उर्दू की सुना के फिर एक पंजाबी की नजर आप बेटियों की नजर करूंगा फलक निजात से भी सरनगुण जमीन पे थमे फलक निजात से ही सरनगुण जमीन पे थमे जबीन खाक पे थी और मेरी जबीन पे थमे जबीन खाक पे थी और मेरी जबीन पे थमे
गुंधी पड़ी थी मेरी खाक खालो खत के बगैर, गुंधी पड़ी थी मेरी खाक खालो खत के बगैर, अभी हुमकता हुआ क्या के बनी बैठा क्या, गुंधी पड़ी थी मेरी खाक खालो खत के बगैर, अभी हुमकता हुआ चाहते हो बनी बैठा मैं। और ये तब की बात है जब कुन नहीं कहा गया था, ये तब की बात है जब कुन नहीं कहा गया था, कहीं कहीं पे खुदा था कहीं कहीं पे था मैं। ये तब की बात है जब कुन नहीं कहा गया था, कहीं कहीं पे खुदा था कहीं कहीं पे था मैं। नया नया मैं निकाला हुआ था जन्नत से, नया नया मैं निकाला हुआ था जन्नत से, जमीन बनाई गई जिन दिनों यहीं पे था मैं। नया नया मैं निकाला हुआ था जन्नत से, जमीन बनाई गई जिन दिनों यहीं पे था मैं। खुदा का हुक्म बजा बदगुमानी अपनी जगह, खुदा का हुक्म बजा बदगुमानी अपनी जगह, गलत न था मेरा इनकार इस यकीन पे था मैं। गलत न था मेरा इनकार इस यकीन पे था मैं, खुदा के झगड़े में आकर दिमाग हार गया, खुदा के झगड़े में आकर दिमाग हार गया, कि दिल सबात में था और नहीं नहीं बैठा मैं, कि दिल सबात में था और नहीं नहीं बैठा मैं, जबीन ख्वाब पे थी और मेरी जबीन बैठा मैं। वो भी खाली दो शेर थी, उम्र की सारी थकन लाद के घर जाता, उम्र की सारी थकन लाद के घर जाता हूँ, रात बिस्तर पे मैं सोता नहीं मर जाता, उम्र की सारी थकन लाद के घर जाता हूँ, रात बिस्तर पे मैं सोता नहीं मर जाता हूँ। मैंने जो अपने खिलाफ आप गवाही दी है, मैंने जो अपने खिलाफ आप गवाही दी है, वो तेरे हक में नहीं है तो मुकर जाता हूँ। मैंने जो अपने खिलाफ आप गवाही दी है, वो तेरे हक में नहीं है तो मुकर जाता हूँ। साजे साहब की तो मैं मौत क्या पूरी हो चुकी थी मेरी, मौत क्या पूरी हो चुकी थी मेरी, कब्र में आंख खुल गई थी मेरी, मौत क्या पूरी हो चुकी थी मेरी, कब्र में आंख खुल गई थी मेरी, सारा आलम रुका हुआ था वहाँ, सारा आलम रुका हुआ था वहाँ, और बस नब्ज चल रही थी मेरी, सारा आलम रुका हुआ था वहाँ, और बस नब्ज चल रही थी मेरी। पहले पहले कोई न था मुझ में, पहले पहले कोई न था मुझ में, मैं था या फिर फुसुर्दगी थी मेरी, पहले पहले कोई न था मुझ में, मैं था या फिर फुसुर्दगी थी मेरी, शाहरग से गुजर के आया हूँ, शाहरग से गुजर के आया हूँ, वो भी खाली पड़ी हुई थी, शाहरग से गुजर के आया हूँ, वो भी खाली पड़ी हुई थी मेरी। जाने किसको सराहते रहे लोग, जाने किसको सराहते रहे लोग, मुझ में कुछ था तो बस कमी थी मेरी, जाने किसको सराहते रहे लोग, मुझ में कुछ था तो बस कमी थी मेरी। सबके शानों पे एक चेहरा था, सबके शानों पे एक चेहरा था, जिन पे सूरत बनी हुई थी मेरी, सबके शानों पे एक चेहरा था, जिन पे सूरत बनी हुई थी मेरी। और जब जड़ों से मुझे उखाड़ा गया, जब जड़ों से मुझे उखाड़ा गया, शाख एक सब्ज हो रही थी मेरी, जब जड़ों से मुझे उखाड़ा गया, जब जड़ों से मुझे उखाड़ा गया, शाख एक सब्ज हो रही थी मेरी,
दूसरों ने मुझे ज्यादा किया, दूसरों ने मुझे ज्यादा किया, वैसे कहने को जिंदगी थी मेरी। दूसरों ने मुझे ज्यादा किया, वैसे कहने को जिंदगी थी मेरी। मेरी बेटियों के लिए एक पंजाबी नज़्म पेश करता हूँ, तीर बैन जिस राती मैं जीवन जोगे इस पिंडे विच आई, जिस राती मैं जीवन जोगे इस पिंडे विच आई, नाड़ू दब के सा दिता जा जीवनी कबर बनाई, जिस राती मैं जीवन जोगे इस पिंडे विच आई, नाड़ू दब के सा दिता जा जीवनी कबर बनाई, कोड़े शहर की गुड़ती चाह के चीक नू जिबते सीता, कोड़े शहर की गुड़ती चाह के चीक नू जिबते सीता, जन्म जन्म दा मैला पानी अख नचोड़ के पीता, मां ने मैनू छाती ला के लोनी दत चुंगाई, मां ने मैनू छाती ला के लोनी रत चुंगाई, प्यो ने मेरा मथा चुमिया पैरी संगली पाई, प्यो ने मेरा मथा चुमिया पैरी संगली पाई, दादी ठंडा होका भरिया दादे धौन चुकाई, घर दियां कंधा उचियां कीतियां नीवी छत बनाई, घर दियां कंधा उचियां कीतियां नीवी छत बनाई, चौं पंजियां ते टुरना सिखिया मैनू सुल्तनाई, चौं पंजियां ते टुरना सिखिया मैनू सुल्तनाई, कोके दी थां नख पई ते वालियां दी थां तने, कोके दी थां नठ पई ते वालियां दी थां ताने, वीरे लई मैं कलमा घड़ियां मेरे हाथ बस काने, वीरे लई मैं कलमा घड़ियां मेरे हाथ बस काने, कानियां दा मैं छज बनाया बह के दाने छटे, चुल्ला चौंका करके सोवा मां फिर भी मुंह वटे, चुल्ला चौंका करके सोवा मां फिर भी मुंह वटे, ना मैं अख विच कजला पाया ना मैं गुत लमकाई, ना मैं अख विच कजला पाया ना मैं गुत लमकाई, ना मैं लुक लुक शीशा तकिया ना किते झाती पाई, अख चुकण दी वेल नहीं सी सुपने किसराउण दी, अख चुकण दी वेल नहीं सी सुपने किसराउण दी, जे बोलन दी जा हुंदी तेरे जुलम दी खेल नू पुण दी, रब्बा जे तू ती हुंदो कदे वाज न लाउंदा कुन दी, कदे वाज न लाउंदा कुन दी। हमारी शेरी बस्म आहिस्ता आहिस्ता इख्तितामी मराहिल का सफर तय कर रही है। अफजल खान साहब के हवाले से बात करना चाहूंगी जिनके लिए हमने आज की बस्म सजाई है। अफजल खान साहब की शायरी का अपना ही एक अलग ढंग है। उनकी शायरी अपने असलूब और असर पजीरी की वजह से कबूलियत का दर्जा हासिल कर चुकी है। गजल में उन्होंने पामाल जमीनों पर शेरी फसल उगाने की कोशिश हरगिज नहीं की, बल्कि अपनी फहमो फरासत से शेरी जमीन खुद तैयार की है। यही वजह है कि उनके कलाम में ताजगी का भरपूर एहसास मिलता है। शेर गोई की पहली शर्त यह है कि शेर में शेरियत हो, जो कि अफजल खान साहब की शायरी में बदरजातर मौजूद है, और दूसरी जज्बे की सच्चाई। अगर जज्बे सच्चे ना हो तो जबान में लुगनत पैदा हो जाती है, जो शायर और कारी दोनों को पढ़ते हुए महसूस होती है। वारदात कल्ब हो या किस्सा गमे दुनिया, अफजल खान साहब हर दो की मुकम्मल तरसील करते नजर आती हैं। आपने कहा तू भी सादा है, कभी चाल बदलता ही नहीं,
तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। जितने गम पाले हैं ए दामनी दुनिया तूने, जितने गम पाले हैं ए दामनी दुनिया तूने, इतने गम तो मेरे रुमाल में आ जाते हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में अफजल खाना। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एहसास है कि एक तो नहायत आला पाए के शायरों के झुरमट में और फिर इंतहाई आला पाए के सामयीन के झुरमट में मेरे साथ ये प्रोग्राम किया जा रहा है। साजिद रहीम साहब की जब टर्म आई थी तो राजा साहिबा ने एक बात कही थी कि साजिद रहीम साहब को दिमाग पढ़ने का फन आता है। ये तो खैर एक उनके पेशे के हवाले से बात है, मैं उनकी शायरी के हवाले से बात करूंगा कि उनको दिलों को जीतने का फन आता है। और इस बात पर भाभी ज्यादा तालियां बजा रही हैं, हालांकि भाभी के आने से पहले ये सुना चुके थे कि मेरी सब दिल रुका और खुश रहो। जी बरादरी गदर मजबूरन नाम की बहुत शुक्रिया सर आपकी इजाजत से चंद्रचार के पहला शेर साजिद भाई की गजल के। यादें भी क्या कर देती हैं, यादें भी क्या कर देती हैं मुझको तुम सा कर देती हैं, यादें भी क्या कर देती हैं मुझको तुम सा कर देती हैं, और अब समझा मां सच कहती थी, अब समझा मां सच कहती थी सोचे बूढ़ा कर देती हैं। अब समझा मां सच कहती थी सोचे बूढ़ा कर देती हैं, और पूरे चांद की रातें मुझको आधा आधा कर देती हैं, पूरे चांद की रातें मुझको आधा आधा कर देती हैं। शोर है शोर में तासीर नहीं है मैं हूं, शोर है शोर में तासीर नहीं है मैं हूं, नींद में महव यहां मीर नहीं है मैं हूं, शोर है शोर में तासीर नहीं है मैं हूं, नींद में महव यहां मीर नहीं है मैं हूं, और इल्तिजा करते हुए शख्स का कैदी नहीं तू, इल्तिजा करते हुए शख्स का कैदी नहीं तू, ये तेरे पांव में जंजीर नहीं है मैं हूं, इंतजार करते हुए शख्स का कैदी नहीं तू, ये तेरे पांव में जंजीर नहीं है मैं हूं, और बेख्याली में किसे चूम लिया है तूने, बेख्याली में किसे चूम लिया है तूने, तेरे आगे मेरी तस्वीर नहीं है मैं हूं। बेख्याली में किसे चूम लिया है तूने, तेरे आगे मेरी तस्वीर नहीं है मैं हूं। चलते देखिएगा कि हमारे खून के प्यास से पशेमानी से मर जाए, हमारे खून के प्यास से पशेमानी से मर जाए, अगर हम एक दिन अपनी ही नादानी से मर जाए, हमारे खून के प्यास से पशेमानी से मर जाए, अगर हम एक दिन अपनी ही नादानी से मर जाए, और अजियत से जन्म लेती सहूलत रास आती है, अजियत से जन्म लेती सहूलत रास आती है, कोई ऐसी पड़े मुश्किल के आसानी से मर जाए, अजियत से जन्म लेती सहूलत रास आती है, कोई ऐसी पड़े मुश्किल
कि आसानी से मर जाएं और बना रखी हैं दीवारों पे तस्वीरें परिंदों की, बना रखी हैं दीवारों पे तस्वीरें परिंदों की, मगर ना हम तो अपने घर की वीरानी से मर जाएं। क्या कहेंगे? बना रखी हैं दीवारों पे तस्वीरें परिंदों की, मगर ना हम तो अपने घर की वीरानी से मर गए, और कहीं ऐसा न हो यारब कि ये तरसे हुए आबिद, कहीं ऐसा न हो यारब कि ये तरसे हुए आबिद तेरी जन्नत में अशिया की फरावानी से मर गए। काफी साहब ने यहाँ अच्छी अच्छी जगह बोलने छोड़ दिया, कहीं ऐसा न हो यारब कि ये तरसे हुए आबिद तेरी जन्नत में अशिया की फरामानी से मर जाए। और तबीयत तुम्हें सही नहीं है तो आखिर मोहम्मद जान शेर और इजाजत के छुए बगैर उसे इस तरह झंझोड़ेंगे, छुए बगैर उसे इस तरह झंझोड़ेंगे, वो कह तोड़ेगा हम सिर्फ हाथ जोड़ेंगे, छुए बगैर उसे इस तरह झंझोड़ेंगे, वो कह तोड़ेगा हम सिर्फ हाथ जोड़ेंगे, और कदम कदम पे नई तौबा करने वाले लोग, कदम कदम पे नई तौबा करने वाले लोग पकड़ में आएंगे जिस दिन गुनाह छोड़ेंगे, कदम कदम पे नई तौबा करने वाले लोग पकड़ में आएंगे जिस दिन गुनाह छोड़ेंगे। और किताबे ज़िस्त इसी शर्त पर मिली थी कि हम, किताबे ज़िस्त इसी शर्त पर मिली थी कि हम निशान ज़दा न करेंगे वरक न मोड़ेंगे, किताबे ज़िस्त इसी शर्त पर मिली थी कि हम निशान ज़दा न करेंगे वरक न मोड़ेंगे। और हमें ना बाग में जाने दिया गया अफजल, हमें ना बाग में जाने दिया गया अफजल, किसी को खौफ था हम लोग फूल तोड़ेंगे, अफजल भाई अफजल भाई ऐसे नहीं जाते, फिर कैसे जाते, कुछ सुना सर जी, मैं तो तभी तो मैं मोहब्बत का हवालाती नहीं होता, तभी तो मैं मोहब्बत का हवालाती नहीं होता, यहाँ अपने सिवा कोई मुलाकाती नहीं होता। और अब इस बात पर भी मुझसे मेरे यार उलझते हैं कि मैं हर बात सुन लेता हूँ जज्बाती नहीं होता, और अब इस बात पर भी मुझसे मेरे ख्याल रखते हैं कि मैं हर बात सुन लेता हूँ जज्बाती नहीं होता, गिरफ्तार वफा रोने का कोई एक मौसम रख, गिरफ्तार वफा रोने का कोई एक मौसम रख, जो नाला रोज बह निकले वो बरसाती नहीं होता, गिरफ्तार वफा रोने का कोई एक मौसम रख, जो नाला रोज बह निकले वो बरसाती नहीं होता, तुझे दिल में जगा दी थी नजर से दूर क्या करते, तुझे दिल में जगा दी थी नजर से दूर क्या करते, जो मरकज में ठहर जाए मुजाफाती नहीं होता, तुझे दिल में जगा दी थी नजर से दूर क्या करते, जो मरकज में ठहर जाए मुजाफाती नहीं होता, और बिछड़ने का इरादा है तो मुझसे मशवरा कर लो, बिछड़ने का इरादा है तो मुझसे मशवरा कर लो, मोहब्बत में कोई भी फैसला जाती नहीं होता। राह बुला हूँ मगर ये मेरी खामी तो नहीं, राह बुला हूँ मगर ये मेरी खामी तो नहीं, मैं कहीं और से आया हूँ मकामी तो नहीं, मैं कहीं और से आया हूँ मकामी तो नहीं, और तेरी मसलत पे कोई और नहीं आ सकता, तेरी मसलत पे कोई और नहीं आ सकता, ये मेरा दिल है कोई खाली असामी तो नहीं, तेरी मसलत पे कोई और नहीं आ सकता, ये मेरा दिल है कोई खाली असामी तो नहीं, और मैं हमा वक्त मोहब्बत में पड़ा रहता था, मैं हमा वक्त मोहब्बत
मोहब्बत में पड़ा रहता था, फिर किसी दोस्त से पूछा ये गुलामी तो नहीं। और जो ये कहते हैं कोई पेशे नजर है ही नहीं, जो ये कहते हैं कोई पेशे नजर है ही नहीं, कौन सी जात के मुमकिन है अगर है ही नहीं। और फिर जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे, फिर जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे, घर का आसान पता ये है कि घर है ही नहीं। फिर जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे, घर का आसान पता ये है कि घर है ही नहीं। और इसलिए हमको नहीं ख्वाहिशें हुराने बहिश्त, इसलिए हमको नहीं ख्वाहिशें हुराने बहिश्त, एक चेहरा जो इधर है वो उधर है ही नहीं। इसलिए हमको नहीं ख्वाहिशें हुराने बहिश्त, एक चेहरा जो इधर है वो उधर है ही नहीं। मेरी बहन की फरमाइश पे तो फिर वो इश्क ये नक्दो नजर बराए करो, तो फिर वो इश्क ये नक्दो नजर बराए फरोख, सुखन बराए हुनर है हुनर बराए फरोख, तो फिर वो इश्क ये नक्दो नजर बराए फरोख, सुखन बराए हुनर है हुनर बराए फरोख, और परिंदे लड़ ही पड़े जायदाद पर आखिर, परिंदे लड़ ही पड़े जायदाद पर आखिर, शजर पे लिखा हुआ है शजर बराए फरोख, परिंदे लड़ ही पड़े जायदाद पर आखिर, शजर पे लिखा हुआ है शजर बराए फरोख, मैं पहले कूफा गया उसके बाद मिस्र गया, मैं पहले कूफा गया उसके बाद मिस्र गया, इधर बराए शहादत उधर बराए फरोख, मैं पहले कूफा गया उसके बाद मिस्र गया। सर आपकी मोहब्बत सर, मोहब्बत साहब बहुत शुक्रिया, आपका जिक्र सर बहुत ज्यादा करते हैं, मुझे मिलने का इश्तेहार भी था, बहुत पूरी है, बहुत शुक्रिया सर। मोहब्बत साहब के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, मैं पहले कूफा गया उसके बाद मिस्र गया, इधर बराए शहादत उधर बराए फरोख, और अया किया है तेरा राज फी सभी जिंदा, अया किया है तेरा राज फी सभी जिंदा, खबर न थी कि है ये भी खबर बराए फरोख, अया किया है तेरा राज फी सभी जिंदा, खबर न थी कि है ये भी खबर बराए फरोख, और जरा ये दूसरा मिसरा दुरुस्त फरमाए, जरा ये दूसरा मिसरा दुरुस्त फरमाए, मेरे मकान पे लिखा है घर बराए फरोख, जरा ये दूसरा मिसरा दुरुस्त फरमाए, मेरे मकान पे लिखा है घर बराए फरोख। और आखिर में तालिब भाई की फरमाइश से दो तीन शेर और इजाजत, के आसारे सफर क्यों रगो पैसे नहीं जाते, आसारे सफर क्यों रगो पैसे नहीं जाते, हम ऐसे कहीं जाते हैं जैसे नहीं जाते, आसारे सफर क्यों रगो पैसे नहीं जाते, हम ऐसे कहीं जाते हैं जैसे नहीं जाते, और तस्दीक करो रब है बुलाता के मुअज्जिन, तस्दीक करो रब है बुलाता के मुअज्जिन, घर और किसी का हो तो ऐसे नहीं जाते, तस्दीक करो रब है बुलाता के मुअज्जिन, घर और किसी का हो तो ऐसे नहीं जाते, और मैं शहर बदर होने को तैयार हूँ लोगो, मैं शहर बदर होने को तैयार हूँ लोगो, क्यों तैश में आते हो कि कैसे नहीं जाते, मैं शहर बदर होने को तैयार हूँ लोगो, क्यों तैश में आते हो कि कैसे नहीं जाते, और मैं बांसुरी बनकर कई होठों से लगा हूँ, मैं बांसुरी बनकर कई होठों से लगा हूँ, लेकिन तेरे सदमे किसी लय से नहीं जाते। बहुत ममनून सदार की कलमात के लिए, हमारे साथ हमारी खुशबख्ती है कि आज मौजूद है मोहतरम जनाब जलील आली साहब, पाकिस्तान के अदबी और शेरी उफक का एक बहुत नुमाया नाम, जिन्होंने एक उम्र शेर व अदब की आबियारी की है।
मेरी ख्वाहिश है कि भरपूर तालियों में बहुत रिस्पेक्ट के साथ इंटर सफा कीजिए। शाम जनाब मेहमान खुशी चौरा ग्राम वदर साहब उस ग्राम अगर हैं तो और 20 साल बाद ये आज की जो नशिस्त थी हो सकता है मिकदार में जरा कम हो लेकिन मयार में ये मिसाली। एक जमाने में पिंडी इस्लामाबाद शहर अफसाना कहलाता मगर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से अच्छे अच्छे शायर यहां इतना जमा हो गया कि आज ये शहर शेर कहलाता। उर्दू में गिने चुने दबिस्तान हैं। अगर कोई उर्दू की तालबात भी बैठी हुई है तो दबिस्तान कहते हैं जहां बहुत अच्छे अच्छे लिखने वाले जमा हो जाएं और वो कोई एक मजाज शेयर करना शुरू कर दें तो वो एक दबिस्तान बन जाता है, एक एटीट्यूड, एक मजाज उसका बन जाता है। तो जैसे लखनऊ का दबिस्तान था, जैसे दिल्ली का दबिस्तान था, जैसे लाहौर का बहुत बड़ा दबिस्तान और फिर कराची का, तो आज मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा फ़ाल और वाइटल दबिस्तान जो है वो दबिस्तान है रावलपिंडी इस्लामाबाद। वक्ते वक्ते से और भी उनका शोरा का इजाफा होता रहता है। तो कुछ अरसे से बहावलपुर से यहाँ तशरीफ लाए हुए हमारे अफजल खान साहब एक बहुत उमदा इजाफा है इस दबिस्तान, हम उन्हें वेलकम करते हैं। आपने उनका सलाम सुना, कितने सादा सादा अल्फाज में कितनी गहरी और लतीफ बातें करते हैं जिन्हें गहरे मानी समझ में नहीं भी आते वो उसकी ऊपर वाली सतह के सामने के माने भी इतने ज्यादा पुरकशिश होते हैं कि वो उसी का लुत्फ लेते हैं और जो थोड़ा सा गौर करते हैं तो उनमें मानी का एक और भी सिलसिला खुलता हुआ दिखाई देता है। हैरत पैदा करना उनका एक खास हुनर है। वो शेर जब खत्म करते हैं तो हर बार एक नई हैरत में मुब्तला कर देते हैं सामीन को। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला उन्हें इसी तरीके से सरसब्ज़ और शादाब रखे और ज़रखेज़ रखे। अब मैं थोड़े से कुछ सोचा शेर और कुछ मान। जब भी बादल बारिश लाए शौक जजीरों से, जब भी बादल बारिश लाए शौक जजीरों से, खोशा खोशा हर्फ की बेलें भर गई हीरों से। वाह क्या कहेंगे, वाह वाह। जब भी बादल बारिश लाए शौक जजीरों से, खोशा खोशा हर्फ की बेलें भर गई हीरों से। तुमसे मिले तो शहरे तमन्ना कितना फैल गया। क्या कहेंगे, तुमसे मिले तो शहरे तमन्ना कितना फैल गया, क्या क्या ख्वाब नए तामीर हुए ताबीरों से। क्या कहेंगे, वाह वाह। खुल के ताज में बजा ले के जीत जा रहे हैं। तुमसे मिले तो चेहरे तमन्ना कितना फैल गया, क्या क्या ख्वाब नए तामीर हुए ताबीरों से। आंखें रंगों की बरसातें तक तक भी हुई, आंखें रंगों की बरसातें तक तक झील हुई, दिल ने क्या क्या अक्स कशीद किए तस्वीरों से। आंखें रंगों की बरसातें तक तक झील हुई,
दिल ने क्या क्या अक्स कशीद किए तस्वीरों से, और वो दसा उसको छूने की ख्वाहिश में हाथ भराए तो, उसको छूने की ख्वाहिश में हाथ भराए तो फन फैलाए निकले कितने सांप लकीरों से। उसको छूने की ख्वाहिश में हाथ भराए तो फन फैलाए निकले कितने सांप लकीरों से, आली दानिश की बस्ती में अब सरदार वही, आली दानिश की बस्ती में अब सरदार वही, ढूंढ निकाले कुछ अंधियारे जो तंजीरों, आली दानिश की बस्ती में अब सरदार वही, ढूंढ निकाले कुछ अंधियारे जो तंजीरों से, जवाब क्या है कि उस शहर की तबाही ना हो, जवाब क्या है कि उस शहर की तबाही ना हो, जहां किसी ने भी रस्म वफा निभाई ना हो, जवाब क्या है कि उस शहर की तबाही ना हो, जहां किसी ने भी रस्म वफा निभाई ना हो, वो गम मिला है के दिल से दुआ निकलती है, ये इम्तहान किसी दुश्मन का भी इलाही ना हो, वो गम मिला है कि दिल से दुआ निकलती है, ये इम्तहान किसी दुश्मन का भी इलाही ना हो, छटी ना तीर गिए दिल तो फायदा प्यारे, छटी ना तीर दिए दिल तो फायदा प्यारे, हजार चाहे कबा पर कहीं स्याही ना हो, और वो गुफ्तगू में फरिश्ता सही, मगर आली जब उसके पास भी किरदार की गवाही ना हो, वो गुफ्तगू में फरिश्ता सही मगर आली जब उसके पास भी किरदार की गवाही ना हो, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, बहुत रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में सौदा हो तो दीवार में दर बनता है, आग ही आग हो सीने में तो क्या फूल जड़, आग ही आग हो सीने में तो क्या फूल जड़े, शोला होती है जबान लफ्ज चरक बनता है, आग ही आग हो सीने में तो क्या फूल जड़े, शोला होती है जबान लफ्ज चरक बनता है, जिंदगी सोच अजाबों में गुजारी है मियां, जिंदगी सोच अजाबों में गुजारी है मियां, एक दिन में कहां अंदाजे नजर बनता है, जिंदगी सोच अजाबों में गुजारी है मियां, एक दिन में कहां अंदाजे नजर बनता है, मुद्दई तख्त के आते हैं चले जाते हैं, मुद्दई तख्त के आते हैं चले जाते हैं, शहर का ताज कोई खाक बसर बनता, क्या कहनी, वाह वाह सती रहता हूँ, मुद्दई तख्त के आते हैं चले जाते हैं, शहर का ताज कोई खाक बसर बनता है, एक छोटी जमीन की ताजा गजल में आपको सुनाता हूँ, एक दिखाता है सौ छुपाता है, एक दिखाता है सौ छुपाता है, सूझता है समझ गवाता है, क्या कह रहे, एक दिखाता है सौ छुपाता है, सूझता है समझ कब आता है, आसमां और कुछ नहीं करता, आसमां और कुछ नहीं करता, हमको बस आईना दिखाता, क्या कह रहे,
आसमां और कुछ नहीं करता, हमको बस आईना दिखाता है। एक सबका है, एक हर इंसान आप अपना खुदा बनाता है। एक सबका है, एक हर इंसान आप अपना खुदा बनाता है। और गर्द होते हैं फलसफे क्या क्या, गर्द होते हैं फलसफे क्या क्या, वक्त जब फैसला सुनाता है। गर्द होते हैं फलसफे क्या क्या, वक्त जब फैसला सुनाता है। जब भी टूटे गुरूरे यक्ताई, कोई अंदर से मुस्कुराता। क्या कहेंगे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा चीज। जब भी टूटे गुरूरे यक्ताई, कोई अंदर से मुस्कुराता है। दर्द के पेड़ की ये फितरत है, दर्द के पेड़ की ये फितरत है, देर से बरगोबार लाता। क्या कहेंगे, दर्द के पेड़ की ये फितरत है, देर से बरगोबार लाता है। रोज किस खोज में दिले मुस्तर, दहर दरिया के पार जाता। और देख उतरता है क्या सरे किरदास, दस्ते शायर कलम उठाता। एक ये तालिबे बैठे हुए, तो मैं एक नज़म आपको सुनाना चाहता हूँ। क्लासरूम के एक्सपीरियंस पर यह नज़म है, और ये वाकया जो है वो तो गालबन कोई 35 साल पुराना है, और ये नज़म की शक्ल में 35 साल बाद डाला। इसका उन्वान है, अजब एक रोशनी देखी। कहा उस्ताद ने, मेरे अजीजो, तख्ताए अस्वद पे, ब्लैक बोर्ड, तख्ताए अस्वद पे बेकाबू हुई एक बावली बदसूरती की इस तरारी लहर जिसने भी लगी रही। बस इतनी सी गुजारिश है, वो उठकर माजरत कर ले। कहा उस्ताद ने, मेरे अजीजो, तख्ताए अस्वद पे बेकाबू हुई एक बावली बदसूरती की इस तरारी लहर जिसने भी लकीरी है। बस इतनी सी गुजारिश है, वो उठकर माजरत कर ले। कि ऐसा हर अमल एक दाग दिल पर छोड़ जाता, कि ऐसा हर अमल एक दाग दिल पर छोड़ जाता है। कि ढलती उम्र के मौसम, जिसे हर बार आईने में आंखें देखती हैं और नदामत मुंह चिराती। कि ऐसा हर अमल एक दाग दिल पर छोड़ जाता है। कि ढलती उम्र के मौसम, जिसे हर बार आईने में आंखें देखती हैं और नदामत मुंह चिराती है। अगर कुदरत तुम्हें कल को यहां मेरी जगह डाइस पे ले आई, अगर कुदरत तुम्हें कल को यहां मेरी जगह डाइस पे ले आई, तो ये तख्ता भी एक आईना बन जाएगा। अगर कुदरत तुम्हें कल को यहां मेरी जगह डाइस पे ले आई, तो ये तख्ता भी एक आईना बन जाएगा। तुमको दागे दिल हद से बड़ा कर करके दिखलाएगा, शर्मिंदा करेगा, हश्र बढ़ पाएगा, यूं बेहाल कर देगा कि आंखों में धुआं भर देगा। तो फिर क्या ये नहीं बेहतर, अभी इस दाग को धो दे। तो फिर क्या ये नहीं बेहतर, अभी इस दाग को धो लें, जबां खोलें, ज़ियां रोलें, जबां खोलें, ज़ियां रोलें, के खुद अपनी निगाहों सुरखरू हो लें। अभी थी गुफ्तगू जारी के एक अश्कों सजा पैकर झुकाए सर उठा, और उसके दो अल्फाज, सॉरी सर की उजली सौत शबनम ने
सभी चेहरे भिगो डाले। अभी थी गुफ्तगू जारी कि एक अश्कों सजा पैक कर झुकाए सर उठा और उसके दो अल्फाज सॉरी सर की उजली सौत शबनम ने सभी चेहरे भिगो डाले। वो पैकर कौन था, क्या खालो खाद उसके थे, खुद उस्ताद की भीगी नजर ने कुछ नहीं देखा। वो पैकर कौन था, क्या खालो खाद उसके थे, खुद उस्ताद की भीगी नजर ने कुछ नहीं देखा, मगर हर दिल ने, मगर हर आंख ने, हर दिल ने कमरे में अजब एक रोशनी देखी। जी मैं लड़ रहा था बड़े एहतशाम से पहले, मैं लड़ रहा था बड़े एहतशाम से पहले, बिसात उलट गई है निकताम से पहले, मैं लड़ रहा था बड़े एहतशाम से पहले, बिसात उलट गई है निकताम से पहले, फिर एक जहान हो चाहे मेरे ताकुब में, फिर एक जहान हो चाहे मेरे ताकुब में, मिले रिहाई मुझे अपने दाम से, और फिर एक जहान हो चाहे मेरे ताकुब में, मिले रिहाई मुझे अपने दाम से पहले, रमूज़े खैमा जनी याद थे तो फिर कैसे, रमूज़े खैमा जनी याद थे तो फिर कैसे, उखड़ गई है तनाबे कयाम से पहले, रमूज़े खैमा जनी याद थे तो फिर कैसे, उखड़ गई है तनाबे कयाम से पहले, और उसी के दोष पे आएगा सैकड़ों का लहू कि जिसने तेज निकाली नयाम से, उसी के दोष पे आएगा सैकड़ों का लहू कि जिसने तेज निकाली नयाम से पहले, ये कह के फेंक दिए अहले कारवां ने चिराग, ये कह के फेंक दिए अहले कारवां ने चिराग, हमें तो शहर में होना है शाम से पहले, अलविदा कल बात अदा करूं। मैं चाहती हूं कि आप सब अपने लिए भरपूर तालियां बजाइए। बेहद खूबसूरत हाजिरी, बेहद खूबसूरत, आप सबकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके होने ने इस महफिल को बहुत खुश रंग बनाया। प्रोग्राम के लिए मैं फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी और मुफ्ती बतौर खास डॉक्टर फरहत जली विर्क साहिबा, जो कुछ नामसाइद हालात के बावजूद आज हमें मौजूद हैं, हमारे साथ बैठी हुई हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। मौबिनीन, हाजरीन, मेहमानान, बज़्म के फ़ाल मुंतज़मीन डॉक्टर साजिद रहीम साहब, डॉक्टर उमर अजीज साहब और उनके तमाम साथियों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, जिनके तआवुन से ये मुशायरा जो है मुनक़िद किया गया। और आप सबकी मौजूदगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उसने इस बज़्म को चार चांद लगा दिए और अदबी अहमियत में इजाफा किया। नायाब अगर मौजूद है तो मैं चाहूंगी कि नायाब आप खड़ी, ये सारे सेटअप के लिए नायाब मैं गुजारिश करूंगी जैन अली साहब से और ब्रिगेडियर मोहम्मद राणा साहब से कि अफजल खान साहब को सुविनियर पेश करने के लिए प्लीज स्टेज पे तशरीफ लाएं। Thank you.
समाज नहीं आई कहां से आई ये गिरी रास्ते से उठाओ हाँ उर्दू वाले हम स्टैंड अप ला जाना नहीं आई हूँ उस साइड से आए